हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जूलियस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि आप मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और सच मानिएगा कि जितना मैं और मेरी टीम ने सोचा था, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे को जो है प्यार हमारी वीडियोज़ को दे रहे हैं। इसी तरह से आप जो है इंजीनियर्स करियर ग्रुप जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू और अपनी जो डिस्कशंस होती है उसके थ्रू जो है वो मेरे को मोटिवेट करते रहेगा। और इसी तरह से मेरी ये कोशिश भी है कि मैं डेली आपके लिए जो है नए नए टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियोस लेके आऊँ। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए जो है एक नई वीडियो लेके आया हूँ और उसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में कि जो GATE 2021 है, अगर इसमें आप टॉप करना चाहते हैं तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको PSUs में जॉब मिल जाए और आइदर आप ये चाहते हैं गेट के थ्रू मिलने वाली जो जॉब्स हैं वो आप ग्रैब कर सकें, तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या आपको फॉलो करनी है, इस पूरी कंप्लीट वीडियो में मैं आपसे आज जो है इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से, बड़ी डिटेल में, बड़े प्यार से जो है इसको देखिएगा। और जो भी आपके डाउट्स रहे, आप हर बार की तरह जो है कमेंट सेक्शन में जाके और आइदर जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जाके आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आज अभी के अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इसी एक चैनल पे आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट जॉब, अबाउट स्ट्रेटेजी, अबाउट प्रिपरेशन, हर तरह की गाइडेंस के लिए जो है वो वीडियोस लेके आ रहा हूँ। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स मेरे पास सब्सक्रिप्शन करते जा रहे हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं, जो वीडियोस के थ्रू हमारे जुड़ते जा रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जो है वो अपने क्वेरी जो है उनकी मैं सॉल्व करता हूँ, उनको गाइड भी करता हूँ, उनको मोटिवेट भी करता हूँ और बताता हूँ कैसे पढ़ने भी चाहिए। अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है, ऐसी जो बात जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, या किसी बात को लेकर आप डीमोटिवेटेड हैं, या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, तो वो सारे के सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में आज के आज जुड़ जाइए। और चाहे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के साथ साथ आप जो कमेंट सेक्शन है वहां पे जाके भी जो है अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। चलो जरा देरी ना करते हुए हम आगे को बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपर स्ट्रेटेजी फॉर GATE 2021, जिससे हमारे पास 101% जो है वो टॉप रैंक आएगा और इससे हम लोग जो अपना जो ड्रीम है बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने का वो हम फुलफिल कर पाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो गेट सिलेबस। मैंने गेट सिलेबस लिए यहाँ पे बात लिखी है बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। और जिन स्टूडेंट्स को प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए गेट एग्जाम की, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो जो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैं रिसेंट अभी एक वीडियो मैंने रिलीज करा था, वो अराउंड 1 आवर की वीडियो है, उसमें मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको दिया है कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा पूरी डिटेल में, आराम से टाइम निकाल के वीडियो देखिए। वो वीडियो जल्दबाजी में देखने वाली नहीं है, उस वीडियो के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, स्पेशल टाइम जो है वो देखिए, उस वीडियो को देखिए। और आपके जो भी मन में डाउट है, जिस भी तरह की आपके क्वेरीज हैं, वो सारी आपकी एक ही वीडियो में, मैं 100% श्योर हूँ, आपकी कवर हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं आज गेट सिलेबस जो है उसको मैंने जो है थोड़ा सा हाईलाइट करा है और ब्रॉड हाईलाइट करा है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ 13 मार्क्स का आएगा। जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा। सब्जेक्ट जहाँ टेक्निकल, जिसमें भी आप पेपर दे रहे हैं, वो 72 मार्क्स का आएगा। ये स्टैंडर्ड जो ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE, IT, उन स्ट्रीम्स के लिए जो है वो मैं उनका एक ओवरव्यू लेकर बना रहा हूँ ये वीडियो। आप अने अगर अभी तक गेट का एग्जाम फिल नहीं करा है तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है इस वीडियो के थ्रू कि आज शाम को 5 बजे तक, 8 अक्टूबर तक भी आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं रेगुलर फीस के साथ। और अभी अगर आप आज नहीं फिल कर पाते किसी कारण से, तो कल आप एक्स्ट्रा फीस के साथ भी पे कर पाएंगे कुछ और दिनों के लिए। ये IIT बॉम्बे ने अभी रिसेंट नोटिफिकेशन दे दिया है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, अभी के अभी जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको फॉर्म भरने का लिंक भी जो है वो मिल जाएगा वहां पे। अब बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि टॉपर्स पता नहीं क्या करते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, या टॉपर बनने के लिए मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए। ये बच्चों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बच्चों को ये लगता है टॉपर की स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट होती है, बट वो आपके उसमें से ही निकलती है जो आप डेली पढ़ते हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी स्पष्ट बात, बहुत क्लियर बात मैं आपको बताने वाला हूं। आप जो है वो तैयारी करते हो सिर्फ टेक्निकल की। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, मेरे को ये पता है आप सबने
गेट के पेपर की जब तैयारी करनी स्टार्ट करी तो सबसे पहली बात माइंड में रख ली कि टेक्निकल 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 तैयारी कर लो, टेक्निकल तैयारी कर लो, टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप समझते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं मानता हूँ उससे टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका बहुत बड़ा वेटेज है। 100 मार्क्स का पेपर आना है उसमें 72 मार्क्स का टेक्निकली आना है, 72% वेटेज है। अगर फ्रैक्शन फिगर के हिसाब से बात करूंगा, एनालिसिस के हिसाब से बात करूंगा तो टेक्निकल से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बट एक बात, सिर्फ टेक्निकल को ध्यान देने में, टेक्निकल की तैयारी करने से आप टॉप नहीं कर सकते, ये कन्फर्म्ड है। बिकॉज टेक्निकल में आप ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स लेके आ पाएंगे वो मार्क्स मैक्सिमम तक वो ले आएगा। 7 to 8 मार्क्स का पेपर ऐसा पेपर में आना ही आना है जिसको कोई स्टूडेंट भी उस 3 घंटों में सॉल्व करने में ऑलमोस्ट जो है वहां पॉसिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ कारण से छूट जाएगा। आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा होगा, सबके साथ ऐसा कोई ना कोई रीजन जो है वो चल रहा होगा, और सारे जो स्टूडेंट है वो 65 से लेकर 67 के बीच में जो है वो लाई कर जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 60 से लेकर 62 मार्क्स के बीच में ही निपट जाते हैं, मतलब वहीं पे 60 से 62 मार्क्स मैक्सिमम आप लेके आ पाओगे इस 72 मार्क्स में, ये मैं आपको बता देता हूं। अब जो टॉपर होगा, अब वो क्या करेगा, वो 15 के 15 नंबर यहां से लेके आएगा और 13 के 13 नंबर यहां से लेके आएगा। अब वो जो यहां से 28 नंबर लेके आएगा, ये 28 नंबर जो है वो अपने 60 नंबर में वो ऐड करेगा तो उसके 88 मार्क्स बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, इंग्लिश के जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ देगा, ठीक है, उसमें से भी 2 मार्क्स माइनस कर लूं तो मेरे पास जो है वो 85 से लेके 86 मार्क्स जो है वो मैं लेके आ सकता हूं। बट बीइंग ए नॉर्मल स्टूडेंट, मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि टेक्निकल सबसे पहले पढ़ा जाए, इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड जो है वो सबसे लास्ट में पढ़ा जाए। ये सबसे बड़ी गलती है, आप में और टॉपर में सिर्फ इतना ही अंतर होना है। आप टॉपर के जितने टेक्निकल में मार्क्स ले आओगे ये कन्फर्म्ड है, आप भी वो टॉपर ही होते अगर आप भी जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो लेके आ पाते, एप्टीट्यूड में जो है 13 मार्क्स लेके आ पाते और इसमें भी इंजीनियरिंग मैथ में 13 के 13 मार्क्स पूरे लेके आ पाते तो आप भी टॉपर होते। आपके और टॉपर में टेक्निकल में डिफरेंस नहीं होता है, जो टॉपर होता है उसमें जो डिफरेंस है वो आपके नॉन टेक्निकल जो पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड उसका मेजर डिफरेंस होता है। इसमें आप जो टार मार्क्स स्कोर करोगे, आप 15 में से 8 से 10 स्कोर करोगे, एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो तो 6 से 8 करता है, और मैथमेटिक्स में आप 13 में से जो है वो 8 से 10 मार्क्स जो है 10 से 11 मार्क्स मैक्सिमम ले लोगे। आप इसमें से मैक्सिमम नंबर जो लेके आ पाओगे वो 18 से 20 नंबर है, 60 नंबर आप लेके आओगे तो आप 78 मार्क्स लेके आ पाओगे और वहीं पे टॉपर जो है वो 88 मार्क्स लेके आ पाएगा। यही 10 नंबर का डिफरेंस जो है वो आपका बहुत बड़ा फासला बना देगा। जो आप जो फर्स्ट टॉपर होगा, जो पहले 100 में जो टॉपर होंगे उन टॉपर्स के जो मार्क्स होंगे वो 25 से लेकर 28 के बीच में जो है वेरी कर रहे होंगे एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिला के। उसके बाद जो 500 तक के स्टूडेंट होंगे उनके जो एप्टीट्यूड मैथ्स में जो मार्क्स होंगे वो अराउंड जो है वो 22 के आसपास होंगे। उसके बाद जिनके नीचे मार्क्स हैं वो सारे 500 के नीचे नीचे ही हैं। और टेक्निकल में जब कंपेयर करोगे, जो आपका फ्रेंड जो टॉप करेगा उसके साथ जो कंपैरिजन बनाओगे, टेक्निकल मार्क्स में आपके शायद एक नंबर ज्यादा ही हो उससे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट टॉपर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का पूरा ध्यान दे रखना पड़ेगा, इसको डेली बेसिस में पढ़ना पड़ेगा, 30-30 मिनट्स डेली का टाइम डिवोट करो। जो मैंने आपको प्रिपरेशन स्टडी में शेड्यूल बताया था उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए 30-30 मिनट जो है उसमें आप अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस को जरूर दें, और ये कोशिश करें और ये सुनिश्चित कर लें और ये 100% श्योर हो जाएं कि इसमें से 15 और 13 जो 28 मार्क्स है इसमें से 25 से नंबर कम तो आने ही नहीं चाहिए किसी हाल में भी। अगर आप ये चाहते हो टॉप करना है, आप यहां मेहनत करो बट इसको मत छोड़ो। आप क्या करते हो, सारा एफर्ट यहीं पे यहीं लगा देते हो और ये सोचते हो कि मैं जनवरी में जाके जो दिसंबर मिड के बाद जो है एप्टीट्यूड मैथ्स में पढ़ लूंगा, एप्टीट्यूड मैथ्स इजी है। ये एप्टीट्यूड मैथ्स इजी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं और वही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपसे वहां पे होते नहीं है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो छोड़ के मेरा काम चल जाएगा, मेरे पास यहाँ 10 मार्क्स का मार्जिन है बट इनपे मेरे पास 3 नंबर से ज्यादा का मार्जिन है ही नहीं है। मैं अगर टॉप करना चाहता हूँ तो 3 नंबर मतलब कम से कम 3 नंबर मैं गलत कर सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ, मतलब
नेगेटिव मार्किंग के बाद भी मेरे 25 नंबर जो है वो मिनिमम मेरे हाथ में होने चाहिए, और अगर 60 नंबर मेरे पास यहाँ से होने चाहिए, मैं यहाँ 10 नंबर का मार्जिन है, यहाँ 3 नंबर का मार्जिन, दोनों को मिला के 2 नंबर का मार्जिन आप इंग्लिश का लेके चले यहाँ पे, और 1 नंबर का मार्जिन आप किसी भी एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेके चले, ये इससे बड़ा मार्जिन, इससे बड़ा जो आपको सिचुएशन है वो नहीं बनेगी अगर आपको टॉप करना है। अगर आपको सिर्फ यही है कि मेरे को मैथ और एप्टीट्यूड लास्ट में पढ़ना है, तो मैं आपको ये कन्फर्म कर दूं, टॉप आप कभी नहीं कर सकते। पास आप जरूर कर लोगे, 70 से 75 नंबर भी आप ले आओगे, पर 80-85 मार्क्स जो टॉपर के आते हैं उस तक पहुंचने के लिए, वो रीच करने के लिए आपको जो है एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ को बहुत ध्यान से, बड़े डिटेल्ड में, बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जो है इसको तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो के बाद अपनी प्रैक्टिस अभी के अभी जो है वो 30-30 मिनट दिन के बांध लो, 30 मिनट सुबह बांध लो, 30 मिनट शाम को बांध लो, चाहे दोपहर को बांध लो, जैसे मर्जी, मिनिमम 30 मिनट जो है इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो देने देने हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो टेक्निकल सिलेबस होता है उसी के आसपास के टॉपिक होते हैं, जो आपका टेक्निकल सिलेबस है उसी के लिए टॉपिक्स हैं। यूजली जो है आपके पास लीनियर जेबरा जो है वो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रहता है, कैलकुलस पार्ट जो है उसमें लिमिटेड क्वांटिटी के क्वेश्चन जो आएंगे, डबल इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आने ही आना है, तो एल हॉस्पिटल के रूल के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लैपलेस में से बेसिक्स जो रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल मेथड का रंगा कुत्रा मेथड हो गया, ऐसे जो मेथड होते हैं उनके स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है वो आने ही आने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो और उन्हीं क्वेश्चन के ध्यान से बस उसको पढ़ लो, वही मोर देन इनफ है, और उन्हीं को अच्छी तरह से कर लो, और ये मेरी बात मान लो, नहीं तो यही वीडियो आपको याद आएगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और जिस दिन आपके हाथ में स्कोर कार्ड होगा, जिस दिन आप नंबर देखोगे कि मेरे 72 में से नंबर जो मेरे 60 आ रहे हैं और इनमें से मेरे नंबर जो है 15 आ रहे हैं, तब आपको समझ आएगा 75 नंबर मेरे क्यों आए। तो अगर आप टॉप करना चाहते हो, पीएचडी में जॉब लेना चाहते हो, तो इस बात को अपने पास लिख के रख लो, बांध के रख लो, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपने स्क्रीन पे जो फोन की स्क्रीन में उसका वॉलपेपर लगा के रख लो कि भाई ये मेरे मार्क्स हैं और इन मार्क्स को जो है मेरे को पढ़ना है और ध्यान से तैयारी करनी है। अगर अभी तक आपने गेट 2021 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है इस टाइम की। मैं आपको ये बार बार बताता जा रहा हूँ कि बिना पढ़े आप जो है वो पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो डीमोटिवेट, डीमोरलाइज ही होंगे और कुछ नहीं होने वाला आपका। बाद में आप ही, जैसे आपको लोग कहते हैं गेट का पेपर डिफिकल्ट है, आप भी उसी भीड़ में जाके शामिल हो जाएंगे, आप भी ये बोलें गेट का पेपर डिफिकल्ट है, बिकॉज बिना पढ़े जब पेपर दोगे तो वो डिफिकल्टी लगेगा। सिंपल सी बात समझो, अगर आपके पास आज मेडिकल का पेपर आ जाए, जब मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट, मेरे को सिविल का पेपर आ जाए, भाई मेरे लिए तो डिफिकल्टी है, मैंने पढ़ा ही कुछ नहीं, मैं तो यही बोलूंगा बींग ए मैकेनिकल जो है मेरे पास सिविल पेपर दे दिया, बींग इलेक्ट्रिकल मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दे दिया, जब बींग ए सिविल मेरे को इलेक्ट्रिकल का पेपर दे दिया, तो ऐसा अगर मैं देखूंगा डिफरेंट स्ट्रीम का जो डिफरेंट कोर्स का पेपर देखूंगा वो डिफिकल्टी लगेगा। तो सिमिलरली जो हम कॉलेज लेवल पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो लेवल हम कॉलेज लेवल पे डिस्कस करते हैं उससे काफी अच्छा लेवल जो है वो गेट में आता है, हालांकि वो डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉलेज में हमने पेपर पास करने के ऊपर जरा फोकस किया होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कॉम्पिटिशन को टच नहीं किया होता है। बट गेट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टच देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉम्पिटिशन टच से पढ़ के जाओगे तभी ही मार्क्स जो हैं वो आपके आने वाले हैं, इसके बिना आप मार्क्स जो हैं वो ग्रैब नहीं कर पाओगे, इस बात को थोड़ा ध्यान बांध लो। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आज के आज जो है वो इंजीनियर्स करियर ग्रुप का जो ऑनलाइन लाइव कोर्स है उसको ज्वाइन कर लो। इंजीनियर्स करियर ग्रुप ही एक ऐसा चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट है जो लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है, सारे के सारे इंस्टीट्यूट ने क्लासेस जो है वो शटडाउन कर दी थी इस वजह से बोल के कि कोरोना चल रहा है तो अभी हमारी क्लासेस पॉसिबल नहीं है। बट इंजीनियर्स करियर ग्रुप ने आपके करियर को, आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज मेरे को पता था कि ये जो लॉकडाउन है ये सितंबर अक्टूबर तक चलेगा और तब तक अगर हम लोग इंस्टीट्यूट बंद रखेंगे, क्लासेस नहीं चलाएंगे, बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो हमारी सबसे पहली ये जो प्रायोरिटी रहती है कि आपका जो टाइम है, आपकी जो सिलेबस है वो कभी भी किसी मेथड्स में हैम्पर ना करे। तो इसलिए इंजीनियर्स के रूम में पूरा शेड्यूल्ड करिकुलम चलाया जाता है और उसी शेड्यूल को हमने फॉलो करते हुए अप्रैल मंथ से, 4th अप्रैल से ही ऑनलाइन जो क्लासेस थी उनको स्टार्ट कर दिया था। और आज मेरे को खुशी होती है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस 30 सितंबर को फिनिश हो गया और बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका अक्टूबर में जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा, और वो सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन की तरह पढ़ते थे उसी तरह से ऑफलाइन में सिलेबस खत्म कर पा रहे हैं।
और अपना जो अभी 2-3 महीने का टाइम उनके पास बचता है, नवंबर दिसंबर जनवरी का, उस टाइम में वो अपनी रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप भी सही ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ें, तो आप आज के आज जो ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आप ऑनलाइन कर लिए, बाद में आपको ऑफलाइन करना हुआ तो ऑफलाइन में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन भी कंटिन्यू रखना हुआ है, वो ऑनलाइन भी रख सकते हैं कंटिन्यू। ऑनलाइन कोर्सेज एज इट ही चलते रहेंगे, ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं वो नए से जो हैं वो स्टार्ट होंगे। तो अभी आप ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उसमें नए जो बैचेज स्टार्ट हो गए हैं उनमें आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, उनमें आप पढ़ सकते हैं। आपका अभी भी 3 मंथ का, 4 मंथ का आपका टाइम है। अभी भी हम आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे मार्क्स के लिए जो है प्रिपेयर कर देंगे। अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि गेट के एग्जाम में से आपको जॉब लेनी है, बहुत सी ऐसी डेली बेसिस पे जॉब आ रही है, मैं डेली वीडियोस बना बना के जॉब नोटिफिकेशन भी डाल रहा हूँ, तो आप जो है जॉब लेना चाहते हैं गेट एग्जाम के थ्रू, तो अभी के अभी जाके ऑनलाइन जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर लो। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी, टीचर आपके पास लाइव अवेलेबल होंगे और वो टीचर से आप लाइव जो अपने डाउट भी जो सारे हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो स्टूडेंट, अगर कोई जेई के स्टूडेंट हैं, जो जेई के एस्पिरेंट हैं, स्टेट के एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी के लिए भी कोर्स चल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी कोर्स कर सकते हैं। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट फैकल्टी जो है, GATE 2021 का 100% सिलेबस कवर करवाया जाएगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। जब आप ऑनलाइन लाइव कोर्स करोगे उसमें आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो आपने रिकॉर्डिंग कोर्स लगाया है उसकी रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए हम लोग जो दे देंगे। उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम आता है उसको आप पढ़ के अपनी तैयारी करके कंटिन्यू रख सकते हैं। डिजिटल स्टडी मटीरियल मिलेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और फ्लेक्सिबल डाउट सेशन जो है वो आपको मिलेंगे, कि आपका डाउट आता है आप टीचर से कनेक्ट होकर अपना फ्लेक्सिबली जो है वो डाउट्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप एडमिशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है 1-800-270-4242 पे जो है आप कनेक्ट करके जो है उस पर फोन करके बात कर सकते हैं, और आइधर हमारी वेबसाइट www.engineering.in पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना जो कर सकते हैं। एडमिशन अभी नए कोर्सेज के लिए GATE 2021 के लिए ओपन है, आप आज के आज जाके इसको एनरोल कर लीजिएगा। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, बिना पढ़े जाना अल्टीमेटली अपने आप को डीमोटिवेट करना और उस भीड़ में, उस लोगों में जाके अपने खड़ा कर लेना जो लोग ये कहते हैं गेट के पेपर से कुछ नहीं मिलने वाला, और वहीं पे उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि हर साल गेट के पेपर में से लोग PSU के थ्रू जॉब लेते हैं, और जो गेट की तैयारी कर लेते हैं, गेट की तैयारी करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस से आप अदर जो एग्जाम होते हैं उनको बड़े आराम से, बड़े प्यार से जो वो निकाल लेते हैं। मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो और भी रिलीज करा था, वो था कि अगर मेरा गेट का पेपर क्वालिफाई ना हुआ तो, अगर ये गेट का एग्जाम 2021 का क्लियर ना हुआ तो क्या होगा मेरा, तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से जाके देखिएगा। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल जो आपके डाउट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो मेरी वीडियोस में मैं आपके साथ आपके लोगों के डाउट्स ही डिस्कस कर रहा हूँ, सो आपके जो भी डाउट्स होते हैं वीडियो में डालिएगा। मेरी यही कोशिश है, मेरी हर वीडियो में मैं आपको जो आपके डाउट्स हैं वो आपसे जो है वो डिस्कस करूँ। जो भी क्वेरीज आप मेरे से पूछते हो, जिन क्वेरीज की जो रेशो बहुत ज्यादा है उनको मैं सबसे पहले डिस्कस करता जा रहा हूँ। तो जो जो जिस हिसाब से क्वेरीज आती जा रही हैं हम उसी हिसाब से अपना कंटेंट डेवलप करते जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको जो है वो वीडियोज के थ्रू जो है वो गाइड करते जा रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इस पेपर को मिस मत करिए, इस पेपर को आज के आज जाके फिल कर दीजिएगा। अभी आपने अगर नहीं भी सोचा गेट के बारे में, एग्जाम तो फिर भी फिल कर दीजिए, एग्जाम फिल करके उसकी डेट ना निकल जाए उसको फिल कर दो, उसके बाद जाके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहे जाके गूगल पे अच्छी तरह तसल्ली से बैठ के उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर लो। वो आपको जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी, अपने लेवल पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, उस इन्फॉर्मेशन से सेंट्रिसिटी आपको अपने आप ही दिख जाएगी। ठीक है जी, फर्दर आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो मेरे उस कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो के वहां अपनी क्वेरीज डालिए, और अदर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जो है वो जरूर जुड़ जाइए, बिकॉज उसमें मैं सिर्फ जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ इन वीडियोस के साथ साथ मैं आपको डेली वोकैबुलरी, डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं और अदर जो इंपॉर्टेंट नोटिस आते हैं, जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है, मैं सबसे पहले जो उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आपके लिए अगर आप चाहते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए, तो टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वीडियोस के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो, कोई विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो मेरे से जो है वो डिस्कस करिए, कंटेक्ट करिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। थैंक यू।